distance 30 feet and back side, front side distance 40 feet. Okay, right side and left side distance 30 feet and front side and back side distance 40 feet. Okay, 13 to 40 house plan design. This 8 feet high wall क्रिएट करने के बाद इस पर हम जो डिटेलिंग है देखिए, यहाँ पर स्टेयर आएगा 4 feet wide and height 7 feet. Okay, 4 feet wide and 7 feet height. यहाँ पर एक दो तो नेक्स्ट जो डोर 7 feet wide 3 feet. Okay, just a door. Next door 7 feet and 3 feet. 7 feet wide, sorry, 7 feet high, 3 feet wide. Next door 7 feet height and 2 feet 6 inch wide. Next door 7 feet height and 3 feet wide. Okay, door. And next door 7 feet height and 3 feet wide. And next door 7 feet height and 2 feet 6 inch wide. 2 room. Okay, next door 7 feet height and 3 feet wide door. ओके, डोर कंप्लीट हो गया इसके अंदर. उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे इसका विंडो स्टार्ट करने से पहले हमें जो करना है इसका GL टू PL जितना भी हाइट आएगा जस्ट उतना हाइट तक हम GL PL क्रिएट करेंगे. पॉसिबल आपके पास रहेगा तो ऑप्शन रहेगा तो आप GL PL में जो DPC डैम प्रूफ कोर्स यहाँ पर आपको आएगा तो उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे. ओके, नेक्स्ट इसका जो हाइट. नेक्स्ट जो विंडो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट हाइट 7 feet विंडो एंड डेप्थ 4 feet 6 inch. तो अगर हम इधर एक विंडो प्रोवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पर हम 4 feet एंड 4 feet 6 inch. छोटा विंडो भी कर सकते हैं और बड़ा भी, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर. ओके, ऐसे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट जो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर हम करेंगे 5 feet and 4 feet 6 inch. यहाँ पर भी एक विंडो हम क्रिएट करेंगे. ओके, ऐसे करके हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं एक एक रूम के अंदर. अगर साइड में आपके पास जगह रहेगा तो आप विंडो और वेंटिलेटर आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है साइड में किसी भी साइड में ब्लॉक है तो उसी साइड पर आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं. ठीक है, इसे बंद कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे. यहाँ पर भी एक विंडो क्रिएट करेंगे. बाकी हम आपके साथ शेयर करेंगे डिटेलिंग पर कौन सा रूम क्या रूम का ऑप्शन कहाँ पर क्या रूम हमने प्रोवाइड किया है और क्यों प्रोवाइड किया है. ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो पहले हमें डोर विंडो का पोजीशन यहाँ पर सेट कर दिया है. ठीक है, देखो यहाँ पर हमने सेट कर दिया. उसके बाद जो रेफरेंस लाइन है उसको हम डिलीट कर देंगे. इसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन. ओके, देखिए यहाँ पर स्टेयर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर स्टेयर क्रिएट करेंगे, ऐसे ऐसे स्टेयर आएगा, नेक्स्ट पार्ट इधर जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ड्राइंग में हमने दिखाया है और एक पार्ट हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम इसके अंदर कुछ थोड़ा सा फर्नीचर और काला ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर फर्नीचर और इसका कुछ डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए फ्रंट जो डोर है अंदर आने के बाद दोनों साइड में देखिए तो सोफा सेट है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल, यहाँ पर स्टेयर, राइट साइड से स्टेयर जाएगा, इधर एक किचन एरिया, लेफ्ट साइड में देखिए एक बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर एक बड़ा साइड बाथ कम लैट्रिन, यहाँ पर पूजा रूम, यहाँ पर स्टोर रूम, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम इसके अंदर कर देते हैं। तो बेडरूम कहाँ पर है, इधर एक बेडरूम देखिए, इधर एक बेडरूम और हमने इधर एक बेडरूम प्रोवाइड किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूजा या गॉड रूम इधर रखेंगे। उसके बाद इसका जो स्टोर, यहाँ पर एक स्टोर रूम प्रोवाइड करेंगे, ओके। देखिए इधर एक स्टोर, यहाँ पर स्टोर, नेक्स्ट यहाँ पर डाइनिंग, उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग एरिया, किचन, यहाँ पर किचन, स्टेयर एरिया, इसके नीचे भी आप कुछ रख सकते, देखिए ऐसे करके हमने बनाया है इसको, ओके। देखिए इसका यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो मेजरमेंट 40 फीट एंड 30 फीट, यहाँ पर बेडरूम 11 into 13, बाथ and latrine 6 feet 4 by 10 feet, 13 feet by 11 feet, यहाँ पर 12 feet by 22 feet 9 inch, किचन एरिया 13 feet by 8 feet, यहाँ पर 9 feet 4 inch, यहाँ पर 11 feet by 13 feet, 7 feet 4 by 7 feet 6 feet, 6 feet by 4 feet। और यहाँ पर देखिए 3 feet 4 inch वाइड पैसेज, जो पोर्च एरिया, ओके। यहाँ पर जो इधर है देखिए, इधर तो पोर्च का एरिया इधर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद इसको हमने कर दिया है, तो इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1200 स्क्वायर फीट, टोटल स्क्वायर फीट इतना है, ठीक है। और इसका जो टोटल स्क्वायर फीट इतना है, ओके। और उसके बाद इसका जो कॉलम हम यहाँ पर ऐड करेंगे, कुछ कॉलम, इधर कॉलम आएगा, देखिए ऐसे आप कॉलम यहाँ पर देखिए ऐसे हम कॉलम को प्रोवाइड करेंगे। तो 4 साइड में, एक एक रूम का 4 साइड में हम कॉलम क्रिएट करेंगे ऐसे करके, ओके। तो 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ देखिए यहाँ पर स्टेयर का 4 साइड में हम 4 कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 4 कॉलम हम यूज करेंगे, इधर भी, इधर और इधर, ओके। ऐसे रहेंगे कॉलम। तो कॉलम का जो साइज 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम, इसका टोटल स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसका हम इधर रखेंगे ऐसे, ओके। और इसका जो टोटल कॉलम tail into 12. Okay, column tail into 12 or wall 5 inch. ओके वॉल यहाँ पर 5 इंच हमने प्रोवाइड किया है, कॉलम 10 इंच बाई 12 इंच। ओके तो ऐसा रहा प्लान और डिजाइन। प्लान अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, और इसमें कुछ चेंज करना है और ऐड करना है तब कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।